प्रयागराज कांड का जो मुख्य आरोपी है अतीक अहमद, उसकी बहन ने आज तक से खास पाई। अतीक अहमद की बहन ने आरोप लगाया कि क्योंकि अतीक अहमद की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो मेयर के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार बनने वाली थी, लिहाजा इस हत्याकांड में साजिश के तहत उनके परिवार को फंसाया जा रहा है। उसने यह भी दावा किया कि सीसीटीवी कैमरे में जो शख्स दिख रहा है वो अतीक अहमद का बेटा असद नहीं है। आपके जैसे दोनों भाइयों का नाम आया और उसमें आपकी जो भाभी हैं वो 120 बी के मुलजिम बनाई गई। मुलजिम इसीलिए बनाया गया सर, आप जाके हमारा घर गिराया गया है, हमारी भाभी का बाहर से एक सीढ़ी है, उनके बच्चों के ट्यूटर बाहर से आते थे, भाभी हमारी अंदर रहती थी और 2 महीने से जो है वो कैंपेन में प्रचार में निकल रही है, तो मेरी भाभी को क्या पता कि बच्चों के पास कौन दोस्त आते थे। ये इन्होंने इसीलिए वो फंसाया कि इनकी साजिश थी, कोई महिला साजिश करती इतने बड़े हत्याकांड की, आप बताइए। तो क्या वो अजान और अबान है या असद है, उनसे कुछ लोग ये लोग मिलने आते थे क्या? हम लोग को क्या पता कौन आते थे, वो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं स्कूल में, उनके दोस्त हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स। अच्छा, असद का नाम आ रहा है, फोटो देखी आपने, असद है उसमें? नहीं, असद उसमें नहीं था, बिल्कुल असद वो अली वहाँ लखनऊ की डिग्री कॉलेज में, आप लोग सब मालूम कर लीजिए सर, हम इतना बता रहे हैं, हमारे पति को अभी एसटीएफ ने उठा लिया। 24 फरवरी को असद कहाँ था? लखनऊ में था, जिस डिग्री कॉलेज में पढ़ता है, जिस फ्लैट में रहता है। अच्छा जी,